अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूसिल गोइंदी। आज मैं बात करूंगा किताब की अहमियत पर, यानी किताब से मतलब इल्म की अहमियत। जो समाज किताब की अहमियत को बुनियाद बनाते हैं वो दुनिया का तरक्की याफ्ता समाज, तरक्की याफ्ता कौम, तरक्की याफ्ता रियासत बनती है। मैंने आज तक इंसानी तारीख में कोई ऐसी तहजीब और हम असर तारीख में और आज भी कोई ऐसी कौम नहीं मैं जानता जो तालीम के बगैर तरक्की याफ्ता हो सके। हम पाकिस्तान में बड़े बड़े घर बनाते हैं, जदीद बस्तियों में घर बनाते हैं और बड़े फख्र से एक कनाल, दो कनाल, अब तो फार्म हाउसेस का भी कल्चर आ गया है। और मैंने कभी नहीं देखा कि घर बनाने वाले उस तबके ने जो बड़ा खुशहाल है, जो किताब भी खरीदता है, गाड़ी भी खरीदता है और किताब खरीदने की यानी कि इस्तात रखता है, उसके घर में मैंने कभी नहीं अमूमन ये सुना हो कि वो ये कहे कि ये लाइब्रेरी है, ये स्टडी रूम है, ये मेरे पढ़ने का कमरा है, ये बच्चों के पढ़ने का कमरा है। बड़े बड़े टीवी लाउंज होते हैं, बड़े बड़े ड्राइंग रूम होते हैं। तो ये वो जवाल है। और मैं एक जवाल जिस पर हम फख्र करते हैं, लाहौर की माल रोड पर इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन पुरानी किताबें फरोख्त होती हैं। जरा आप देखें इस क्लिप में ये किताबें कैसे फरोख्त होती हैं। गंदे पानी का वहाँ पर निकास जो है वो रुका होता है और किताबें उसके साथ रखी होती हैं। और उसके साथ जो जूता बिकता है वो एक मेज पर रखकर बिकता है और किताब फर्श पर बिकती है। ये फख्र नहीं है, ये अफसोस की बात है। अगर हम मिसाल देते हैं पेरिस की, लंदन की, कि वहाँ पर पुरानी किताबें बिकती हैं तो वो ऐसे सड़क पर नहीं, उनके लिए खूबसूरत रैक, शोकेस, अलमारियाँ बनाई जाती हैं। तो ये जो जवाल है किताब का जवाल, ये इल्म और फिक्र का जवाल है। और फिक्र का जवाल हो तो इंसानियत का जवाल है, और जब इंसानियत का जवाल हो तो फिर ज़ैनब का कत्ल होता है। और ऐसे कत्ल रोज होते हैं पाकिस्तान में, खबरों में कभी कभी आता है। और अगर मैं ये कहूँ कि जिन लोगों पर हम फख्र करते हैं, हमारे फख्र हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे फख्र हैं अल्लामा इकबाल। ये एक मेरे सामने एक किताब है, कायद आज़म का नज़रिया है रियासत। ये एक बड़ी दिलचस्प किताब है और ये किताब क्यूम निज़ामी साहब की किताब है। और इसमें ये बहस की गई है कि कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, कैसी रियासत चाहते थे। और अगर कायद आज़म ना पढ़ते और अगर अल्लामा इकबाल ना पढ़ते, अगर वो तालीमी याफ्ता ना होते तो वो क्या होते? किसी दुकानदार के पास एक छोटे से मुलाजम होते। तो किताब की अहमियत के हवाले से मैं आज फोकस करूँगा कि लाहौर की एक खूबसूरती भी है। पाकिस्तान के अंदर जो खुशी की खबरें और लहरें हैं उसमें ये एक लहर ये भी है कि आज लाहौर में फिर पहली से 5 फरवरी को लाहौर में एक इंटरनेशनल बुक फेयर होने जा रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा बुक स्टैंड या बुक स्टॉल लगेंगे और इसमें हजारों नहीं लाखों किताबें आएंगी। इस सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ये बुक फेयर होगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग आए और अपने बच्चों को लेके आए, किताबें खरीदें, किताबें अपने दोस्तों के लिए तोहफा खरीदें। हम बड़े बड़े केक 500-500 रुपए के, 1-1 हज़ार के, 5-5 हज़ार के केक तो तोहफा देते हैं, किताब का तोहफा नहीं देते। और जब हम ये दलील देते हैं किताब महंगी है, कभी हमने ये देखा समेत मेरे के लाहौर में या पाकिस्तान के किसी शहर में जो हम कढ़ाई गोश्त खाते हैं या हम चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, पता नहीं क्या क्या खुराक आ गई है, कभी हमने उसका रेट पूछा या कभी हमने ये गिला किया कि ये कढ़ाई गोश्त या खाने की चीज़ महंगी है? तो मैं ये कहूँगा किताब पढ़ें, किताब पढ़ाएं, किताब का तोहफा दें, बुक फेयर पर आएँ 1 से 5 फरवरी को एक्सपो सेंटर जोहर टाउन लाहौर में। और आखिरी बात जो कि पहली बात है कि बेज़मीन दहकान को ज़मीन दे दो और बेतालीम इंसान को तालीम दे दो, देखो बदलता है कैसे पाकिस्तान। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।